यहाँ मैं अपना चार्जर ले लिया है, फोन ऑन हुआ है, समझ रहे हैं, जान में जा नहीं है मेरी। सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मसला। और यहाँ मैंने अपने लिए रिंग लाइट भी देखी है, ये रिंग लाइट्स मिलती हैं तो मैंने अभी बस देखी है। और मामा कुछ देखती नहीं हूँ, फौरन पूरा है। मामा मामा मेरी पता है कौन है? रिच मॉम। बस मामा तो वो समझ, वही वाला चाल है मामा। मामा मेरी वो है रिच मॉम, बेस्ट मॉम। मैं मास्क ही नहीं लेकर आई, टेंशन इतनी थी, टेंशन इतनी सही है, मैं क्या करती हूँ टेंशन में? क्या सोचता है इंसान को, कुछ भी नहीं। टेंशन बहुत बुरी चीज़ है भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन ना देने का और ना लेने का, टेंशन नहीं लेने बस। अब काम होगा ना तब यही कहूँगा ना कि टेंशन नहीं लेने। बच्चों के लिए सीरियल लाइफ बनाने गई मेरी, है ना? तो अचानक मैं अपनी लिए चीज़ें देख रही थी तो रिंग लाइट की ज़रूरत थी, तो सोचा रिंग लाइट भी ले लेती। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड ब्यूटीफुल। आज का व्लॉग भी मैंने स्टार्ट किया है लेट टाइम पर, और उसकी रीज़न ये थी कि कल रात से मेरे फ़ोन का वायर वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड था। तो फिर जाहिर सी बात है 3-4 बजे के, रात के 3-4 बजे के दरमियान मुझे वो वायर तो कहीं से मिलनी नहीं थी। तो फिर मैं सो गई, सुबह उठी तो मैंने अपने डैड से कहा कि मुझे वायर ला दे, तो उन्होंने मुझे वायर ला कर दी। और वो उसको डिस्प्ले थोड़ा थोड़ा दे रहा था, तो उससे क्या हो रहा था, मेरा फ़ोन बार बार रिस्टार्ट हो रहा था। तो जब जब फ़ोन मेरा रिस्टार्ट होना स्टार्ट हुआ तो मुझे टेंशन से होने लगी कि हो क्या रहा है मेरे फ़ोन के साथ, कहीं मेरा फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया कि, या फिर चार्जिंग जैक है वो ख़राब तो नहीं हो चुका। तो मुझे काफ़ी एक 5-10 मिनट में मैंने बहुत सारी टेंशन सोच ली थी। फिर मैं दफ़ा मैंने वायर एक्सचेंज करवाई कि नहीं ये ठीक से नहीं लग रहा, ये काम नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं ये मुझे मार्केट से ही मिलेगी, तो फाइनली मुझे वायर मिल गई। और मैं मार्केट जाते वक्त भी बहुत टेंशन में थी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, पता नहीं क्यों इतना वहम कर रही थी मैं कि आज तो पता नहीं आज मेरे फ़ोन में कोई मसला है, बैटरी में कोई इशू है, या कुछ ना कुछ तो निकलेगा आज। तो ये बहुत एक टेंशन मेरे माइंड में बन गई थी। तो मैं मार्केट में जल्दी जल्दी से आगे आगे, मामा पीछे पीछे। मामा कहती जाओ तुम आगे चली जाओ, तुम्हारी टेंशन ऐसे ख़त्म होती है तो तुम पहले पहुँच जाओ शॉप पर। तो मैं फाइनली शॉप पर पहुँची, तो मैंने फिर कहा मुझे अपने फ़ोन की ये वायर निकाल कर दे और मुझे लगा कर दे। तो पहले वायर भाई ने लगाई है तो वो वायर काम नहीं की। मैं बस मैं दिल में पता नहीं क्या क्या पड़ रही थी, कितने कितने मन्नतें मार ली थी मैंने कि मेरा फ़ोन ऑन हो जाए, बस मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, पता नहीं कौन कौन सी आयतें सूरतें मैंने पढ़ी हैं कि मेरा फ़ोन ऑन हो जाए तो ये चार्जिंग पर लग जाए। तो उन्होंने सेकंड भाई ने लगाई है वायर, लगाई है तो मोबाइल ऑन हो गया था। इतनी सी बात थी, मामा मुझे कहती रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी वायर नहीं ठीक है, तो तुम एक छोटी सी वायर पर इतनी टेंशन तुम क्यों ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा फ़ोन बिल्कुल ठीक है, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो। लेकिन अब टेंशन का तो कोई इलाज नहीं है ना। ऊपर से पापा कहते हैं कि
तुम्हारे ना हैंड तुम्हारे जो चार्जिंग जैक है ना ये खराब हो चुका है। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये मैं तुम्हें जल्दी वो रिपेयर करवा दूंगा, रिप्लेस करवा दूंगा मैं। ओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोले प्लीज, कह दो कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं निकला। जितनी टेंशन क्रिएट हो गई थी तो शुक्र है कुछ भी ऐसा नहीं निकला। आज मैं आपको एक छोटी सी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपको देने के लिए, क्योंकि वो है इट्स अबाउट टूथपेस्ट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस ब्लू एंड दिस ब्लैक, क्या डिफरेंस है इनमें? ये मुझे भी नहीं पता था, ये मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि इसमें क्या डिफरेंस है। और ये आप देख रहे हैं ये वाली, ये मैंने कम्प्लीटली यूज़ कर ली थी तो बाद में पता चला कि जहाँ पर ये ब्लैक मार्क हो ना ये आपकी टूथपेस्ट के साइड पर, इसका मतलब होता है ये फुली केमिकल से बनी है और इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं है जिसमें लिखा होता है कि इसमें प्रोटेक्शन है, इसमें कैविटी फ्री है या कुछ ऐसा है इसमें कि लाइक नमक है आपके टूथपेस्ट में, नमक है, ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं था। तो ये पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो ब्लैक जो साइड होती है ना इसकी, ये इसका मतलब होता है कि ये टूथपेस्ट बिल्कुल फुली केमिकल से बनी है। तो ये आपने जब भी टूथपेस्ट बाई करनी है तो आपने पहले देखना है कि यहाँ पर कोई ब्लैक मार्क तो नहीं है, तो आपने ये देखना है कि ब्लैक मार्क बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? ये बस तो जब भी आपने लेनी है, ठीक है, टूथपेस्ट। और ये मम्मा पापा ये वाली यूज़ करते हैं, सेंसोडाइन, और मेरी ये कोलगेट, और ये जो ओरिजिनल कोलगेट है उसकी ये निशानी है जी, ये ब्लू जिस पर ब्लू मार्क होगा आपने वो वाली टूथपेस्ट लेनी है, ठीक है? और ये ओरिजिनल है, ये केमिकल फ्री है, तो केमिकल फ्री चीज़ की निशानी है ये ब्लू मार्क, और केमिकल वाली चीज़ों की निशानी है ब्लैक मार्क वाली, ठीक है? तो इसमें आपको डिफरेंस आपको पता चल चुका है, तो आपने जब भी बाय करनी है तो ये देखना है ज़रूरी, ब्लैक मार्क वाली नहीं लेनी, ब्लू मार्क वाली लेनी है। इसी तरह सेंसोडाइन में भी यही चीज़ पाई जाती है, सेंसोडाइन भी ओरिजिनल आती है लेकिन कुछ केमिकल से भी आती हैं, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। तो ये देखिए ये भी, ये चीज़ भी सेंसोडाइन में भी आती हैं, ये केमिकल वाली आती हैं, तो शुक्र है ये केमिकल वाली नहीं है, क्योंकि ये मम्मा ने देख ली थी ग्रोसरी करते टाइम, ये देखा था कि ये इसमें ब्लू मार्क है तो लेंगे, अगर नहीं है तो नो। नुकसान यही है कि केमिकल वाले ये आपके दांतों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है? तो ये बात आपने हमेशा अपने माइंड में जहन में रखनी है, जब भी टूथपेस्ट लेनी है ये ब्लैक मार्क वाली नहीं लेनी, ब्लू मार्क वाली लेनी है। तो ये आपने छोटी सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपने आगे भी सबको बतानी है ताकि ये जिसको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि हम केमिकल अपने दांतों पर लगा रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ठीक है? तो आगे भी आपने इसको फॉरवर्ड करना है। आज भी मैं कोई लंबा चौड़ा कोई व्लॉग नहीं बना सकी, उसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ, मोबाइल फ़ोन ऑफ था चार्जिंग वायर की वजह से, तो ये काम मैं आज नहीं कर पाई। खाना भी मैंने इतनी टेंशन में बनाया था, मैं क्या बताऊँ, इतनी टेंशन में मैंने कभी नहीं बनाया, एक पल में इतना मतलब वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई, एक वक्त में मैंने इतना कुछ सोच लिया। अच्छा जी, मैंने आपसे कुछ आप सबसे कुछ पूछना था, कुछ मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, कुछ जानने वाले फैमिली फ्रेंड्स कज़न्स सब मुझे ये कह रहे हैं कि तुम थोड़ी सी एक्टिंग भी करो, कुछ एक्ट करके दिखाओ, तुम में ये एबिलिटी है तो तुम ये ज़रूर थोड़ी सी कुछ मिमिक्री कुछ तो करो, क्योंकि मैं थोड़ी सी ना मिमिक्री अच्छी कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे मैं फेमस भी बहुत हुई हूँ अपनी फैमिली में, और उसकी वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं फैमिली में। तो मिमिक्री करना यार कोई बुरी बात तो नहीं है,
अगर मैं किसी की मिमिक्री कर रही हूँ तो क्या इसका मतलब मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। मिमिक्री करना किसी को, और इसको बुरा समझते हैं काफ़ी सब लोग, बुरा समझते हैं कि तुमने मेरी नकल उतारी, अच्छा मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो ठीक है, जिसको हम मिमिक्री को हम कहते हैं नकल। काफ़ी सब कह रहे हैं कि तुम ये करो, तुम कर सकती हो, तो ज़रूर ट्राई करो, तुम ये कर सकती हो एंड यू कैन डू इट। तो अभी मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जो लोग मुझे जानते हैं वो, उनको पता है मेरे टैलेंट का कि मैं बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेती हूँ। लाइक मैं कराची एक्सेंट बड़े अच्छे से बोल लेती हूँ, लाहौरी एक्सेंट बहुत अच्छे से कॉपी कर लेती हूँ, और क्या कहते हैं उसको, पठान, हाँ पठान एक्सेंट, बलूचिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, इस तरह की चीज़ें मैंने, मेरी क्योंकि मेरी काफ़ी ना फ्रेंड्स ऐसी रही हैं, अफ़गानिस्तान के फ्रेंड्स रही हैं, कोई पिशावर साइड से, कोई बलूचिस्तान साइड से, कोई कराची के साइड से, तो वो बात करती थी ना तो मैं उनको देखती थी ये कैसे बात कर रही हैं, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही आवाज़ निकाली, मैंने मम्मा को एक्ट करके दिखाना, तो मम्मा ने कहना ज़बरदस्त, ये तो तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे हो वो भी बात कर रही है, तुम्हारी फ्रेंड ही बात कर रही है, लग ही नहीं रहा कि तुम हो। तो ये काफ़ी मुझे था कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, तो अब आप लोग मुझे बताएं मुझे ये करना चाहिए। तो जो भी मैं करती हूँ अपनी मर्जी से, अपने शौक से करती हूँ, ना कि मैं किसी को देख के करती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोग जी तुमने मेरी नकल की, तुमने मेरी नकल उतारी, मिमिक्री की, तो मैं किसी को देखकर तो नहीं कर रही ना कि वो किसी ने ऐसा कुछ किया तो मैं भी ऐसा कर लूँ, मुझे ये सब नहीं आता, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे शुरू से जो अच्छा लगता है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मुझे यूट्यूब पर बहुत टाइम से आना था, इवन मैंने 2020 से भी स्टार्ट करना था, तो फिर कुछ ऐसी वजह ही हुई, कोई घर शिफ्ट कर लिया, फ़ोन टूट गया, टेंशन, स्ट्रेस, तो कुछ समझ नहीं आई मुझे उस टाइम, फिर ना बस मेरा, मैंने वरना 2020 से ही अपना स्टार्ट कर देना था, इवन मैंने 2016 से ही स्टार्ट कर देना था ये अपने व्लॉगिंग, ये वीडियोस यूट्यूब, ये मैंने तभी स्टार्ट कर देना था, बस यही था मुझे कि मैं क्या करूँ, सामने नहीं आ सकती, फेस रिवील नहीं कर सकती, तो ये थोड़ा सा मुझे था, कन्फ्यूजन था, जो अब पूरी तरह कम्प्लीट हो चुका है, दूर हो चुका है। तो बस यही था कि मैं किसी को कॉपी नहीं करती, ठीक है, कि मैं अगर इस लाने ने किया तो मैं भी कर लूँ, मुझ में ये सब चीज़ें नहीं है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ, ना कि मैं किसी को देख के कुछ ऐसा करती हूँ। तो गिला नहीं बनता मुझ पर ऐसा कुछ कि तुमने ऐसा किया। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे कुछ एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी कन्फ्यूज हूँ, तो मैं इंस्टा पर आई थिंक वोटिंग भी मुझे लगानी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे भी मैं लगाती हूँ, वहाँ पे भी मुझे बताएंगे मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जी ये था आज का व्लॉग भी था, वीडियो भी थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।